नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिसी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर के ऊपर तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के 55 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं के इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। यूपी बोर्ड ने आज दोपहर 2 बजे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। इसी के साथ टॉपर्स की लिस्ट भी बोर्ड परिषद ने जारी कर दी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने इस संबंध में जानकारी दी है। परीक्षा देने वाले सभी स्टूडेंट अपना रिजल्ट माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in और NIC की वेबसाइट upresults.nic.in पर देख सकेंगे। इसकी जानकारी बोर्ड ने उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी दी है। बता दें कि 12 वर्किंग डेज में बीते 22 फरवरी से 9 मार्च के बीच बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थी। वहीं आगे बढ़ते आपको बता दें, डिंपल यादव के समर्थन में उनकी बेटी अदिति यादव भी चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। अखिलेश यादव और डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव विदेश में पढ़ाई करती हैं, लेकिन इन दिनों चुनाव के बीच वो लगातार मां डिंपल के समर्थन में चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची अदिति यादव ने लोगों से साइकिल पर बटन दबाकर समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने की अपील की है। अदिति यादव ने कहा, मैं यहाँ आप सभी का आशीर्वाद मांगने आई हूँ। आपने मेरा इतने प्रेम और अपनेपन से स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूं कि आप सभी 7 मई को जाइएगा और साइकिल का बटन दबाकर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा, अपने संविधान को बचाने के लिए। जय हिंद, जय समाजवाद। वहीं आगे बढ़ते आपको बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बंगाल में रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा सनातन आस्था को आहत करने की कुचेष्टा है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सनातन आस्था को आहत करने की कुचेष्टा करार दिया है। वहीं आगे बढ़ते हो आपको बता दें, देश में पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण की तैयारी जोरों पर है, मगर उत्तर प्रदेश की वीवीआईपी रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। रायबरेली लोकसभा सीट के लिए 26 अप्रैल से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी में से किसी ने भी अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। यहाँ की सांसद सोनिया गांधी ने राज्यसभा चले जाने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को यहाँ से उतार सकती है। बीजेपी को कांग्रेस का इंतजार है और बीएसपी इन दिनों की घोषणा के इंतजार में मौन धारण किए बैठी है। हालांकि बीजेपी रायबरेली सीट को लेकर लगातार रणनीति पर काम कर रही है। वहीं अगली खबर के बढ़ते हुए आपको बता दें, गंगा में प्लास्टिक प्रदूषण पहले से बढ़ चुका है। BHU के इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिसर्च से पता चला है कि गंगा में कभी नष्ट न होने वाले प्लास्टिक के अति सूक्ष्म कण माइक्रोप्लास्टिक मौजूद हैं। इसके तत्व मछलियों में मिले हैं, जिससे मछली खाने वाले मनुष्यों के शरीर में नुकसानदायक तत्व पहुंच रहे हैं। इससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। गंगा में कानपुर से ज्यादा वाराणसी में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं। रिसर्च में 91% से ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक के रेशेदार और काले रंग के होने का पाया गया है। माइक्रोप्लास्टिक का 35% हिस्सा पॉलीएम फिनाइल पॉलीमर था। बता दें, ये पॉलीमर खतरे की श्रेणी में आते हैं, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए संभावित खतरे का संकेत है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़। धन्यवाद।